जब पॉलीथीन पर बैन है तो कड़ाई से पालन क्यों नहीं कराते। आज हम हैं लंका, लंका चौराहा इधर है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो महामना का मंदिर है। यह वाराणसी ही नहीं देश का प्राण तत्व है, विश्व में इस स्थान को लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का आना हुआ था। मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार यहाँ पॉलीथीन से ही और कचरे से साढ़ और गाय अपना आहार खोज रही है। इधर भी हैं, इधर कई बैठे हुए दिख रही हैं, इधर भी दिखा दीजिएगा, इधर इधर भी गाय हैं, उधर भी नंदी बैठे हुए हैं, सड़क के उस पार भी लोग हैं, नंदी हैं। ये लोग दुर्घटना का कारक भी बन रहे हैं लगातार। इनका कोई अन्य आहार नहीं है, यह कचरे से ही अपना आहार ढूंढते हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आना हुआ था 22 और 23 सितंबर को, तो उनके सामने गाय का ऑपरेशन हुआ था। गाय के पेट से 50 किलो पॉलीथीन निकला था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन होते हुए देखा था। क्या प्रदेश की सरकार इतनी कमज़ोर है कि पॉलीथीन को कड़ाई से रोक नहीं रही है? यद्यपि यहाँ का कचरा उठ गया है, लेकिन यह प्रतिबंधित प्रजाति की यह प्लास्टिक के गिलासें आई कहाँ से? और यहाँ तो सब्जियाँ ले जाते हैं पॉलीथीन में, चाइना निर्मित पॉलीथीन के कचरे ने पूरे देश को तबाह कर दिया है। गंगा में अभी नीतीश कुमार कह रहे थे गंगा में गाद जम गया, गाद नहीं जमा है साहब, गंगा में तो कई तो पॉलीथीन का कचरा गंगा की तलहटी तक जमा हो गया है। और मछलियों का भी अगर ऑपरेशन कराएंगे तो उनके पेट में पॉलीथीन का टुकड़ा मिलेगा, उनकी आंतों में पॉलीथीन मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में जो न सड़ेगा न गलेगा न बर्बाद होगा, ऐसे पॉलीथीन को आप क्यों प्रयोग में ला रहे हैं? लोग घरों से झोले लेकर के निकलेंगे, सब्जियां लाएंगे, पर्यावरण को शुद्ध बनाएंगे। या इसमें कुत्ते भी आहार खोज रहे हैं, नंदी भी खोज रहा है, गाय भी खोज रही है, कई मेरा आपको सुअर भी इसमें आहार खोजते हुए नजर आएंगे। पूरा मामला मैं प्रदेश सरकार को भेजता हूँ, केंद्र सरकार को भेजता हूँ। यहाँ नगर निगम तो अंधा और बहरा की सकते हैं, कहीं कोई असर नहीं है। चारों तरफ तालाब, पोखरे, जल स्रोत और कुंड पॉलीथीन से फाड़ दिए गए। ऐसी परिस्थिति में फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए मैं पूरे मामले को संदर्भित करता हूँ। आम जन की क्या नागरिक कर्तव्य भी है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को बचाएगा, देश में जो भी अव्यवस्था फैल रही है उसके लिए आवाज़ उठाएगा। और हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 19(1) का भी कहता है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसका भी मैं प्रयोग करता हूँ। मैं हूँ आज 6 अक्टूबर 2017 को लंका BHU के पास अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।